फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बाथरूम आइटम्स के नाम हिंदी और अंग्रेजी में, वो भी पिक्चर्स के साथ में। ये है फ्रेंड्स टूथब्रश। टूथब्रश को हम हिंदी में बोलते हैं दांत का ब्रश, टूथब्रश। और ये है फ्रेंड्स टॉवेल। टॉवेल को हिंदी में तौलिया बोला जाता है, टॉवेल मींस तौलिया। सोप, सोप को हम हिंदी में बोलते हैं साबुन, सोप मींस साबुन। और ये है फ्रेंड्स गीजर। गीजर को हम हिंदी में गीजर ही बोलते हैं, गीजर। यह है फ्रेंड्स बेसिन, या फिर हम इसको वॉश बेसिन भी बोल सकते हैं, जिसे बोलते हैं हिंदी में चिलमची, चिलमची। यह है फ्रेंड्स मग। मग को हिंदी में हम मग ही बोलते हैं, मग। यह है फ्रेंड्स टैप। हम टैप की जगह इसको फोसेट भी बोलते हैं, टैप या फिर फोसेट, मतलब नल, टैप या फिर फोसेट। और ये है फ्रेंड्स बकेट। बकेट मीन्स बाल्टी, बकेट मतलब बाल्टी। और ये है फ्रेंड्स बाथ टब। बाथ टब को हम हिंदी में बाथ टब ही बोलते हैं, बाथ टब। ये है फ्रेंड्स कर्लिंग आयरन, जिसे हिंदी में बोला जाता है कर्ल करने की मशीन, इससे हम बालों को कर्ल करते हैं। और ये है फ्रेंड्स डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस को हिंदी में बोलते हैं दंत लोमक, दंत लोमक। और ये है फ्रेंड्स रेजर, जिसको हिंदी में बोलते हैं उस्तरा, उस्तरा। और ये है फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक रेजर। इलेक्ट्रिक रेजर मीन्स बिजली का उस्तरा, बिजली का उस्तरा। और ये है फ्रेंड्स लोशन। लोशन को हम हिंदी में बोलते हैं मलहम, लोशन मीन्स मलहम। यह है फ्रेंड्स हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर मतलब बाल सुखाने वाला, या फिर बाल सुखाने का यंत्र, हेयर ड्रायर। और यह है कॉम। हम इसमें कॉम में एम को नहीं पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बोला जाता है कंघा, कॉम मीन्स कंघा। और यह है शैम्पू। शैम्पू को हिंदी में बोलते हैं केश मार्जक, केश मार्जक। और यह है माउथ वॉश। माउथ वॉश मतलब मुख धवन, मुख धवन। माउथ वॉश मीन्स मुख धवन। और यह है टिश्यू। टिश्यू को हम हिंदी में बोलते हैं महीन कागज, मतलब कि बारीक सा कागज, टिश्यू। और ये है सावर। सावर को हम हिंदी में बोलते हैं फुहारा, फुहारा। और ये है फ्रेंड्स सेविंग क्रीम। सेविंग क्रीम को हम हिंदी में सेविंग क्रीम ही बोलते हैं, सेविंग क्रीम। और ये है टूथपेस्ट।
टूथपेस्ट को हम हिंदी में बोलते हैं दांत का मंजन, दांत का मंजन, टूथपेस्ट। और ये है टॉयलेट, टॉयलेट को हिंदी में शौचालय बोला जाता है, टॉयलेट मीन्स शौचालय। और ये है फ्रेंड्स टॉयलेट पेपर, मतलब शौच का कागज, टॉयलेट पेपर मीन्स शौच का कागज। और इसको हम बोलते हैं वॉशिंग मशीन, मतलब कि कपड़े धोने की मशीन, कपड़े धोने की मशीन, वॉशिंग मशीन। और ये है सोप टेवे, सोप टेवे मीन्स साबुन की टेवे, सोप टेवे। और ये है फ्रेंड्स परफ्यूम, परफ्यूम मीन्स इत्र, परफ्यूम मीन्स इत्र। और यह है फ्रेंड्स मिरर, मिरर को हम हिंदी में बोलते हैं आईना, मिरर मीन्स आईना। और यह है फ्रेंड्स क्रीम, क्रीम को हम हिंदी में क्रीम ही बोलते हैं, आप चाहें तो मलाई भी बोल सकते हैं लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। और यह है फ्रेंड्स टूथ पाउडर, टूथ पाउडर मीन्स दंत मंजन, दंत मंजन। इसको हम बोलते हैं हेयर ब्रश, मतलब कंघी, हेयर ब्रश मीन्स कंघी। और इसको हम बोलते हैं फ्रेंड्स मेजरिंग जग, मेजरिंग जग मतलब नापने का बर्तन, मेजरिंग जग। और इसको हम बोलते हैं क्लॉथ्स पिन, या फिर हम इसको क्लॉथ्स पेग भी बोलते हैं, मतलब कपड़ों की खुंटी, कपड़ों की खुंटी। और इसको हम बोलते हैं हैंगर, जिसको हम हिंदी में भी हैंगर बोलते हैं, हैंगर। और ये है फ्रेंड्स पॉलिश, और पॉलिश को भी हम हिंदी में पॉलिश बोलते हैं, पॉलिश। और ये है फ्रेंड्स क्लॉथ्स लाइन, क्लॉथ्स लाइन मीन्स अलगनी, इस पे हम कपड़े सुखाते हैं, क्लॉथ्स लाइन। और ये है फ्रेंड्स लॉन्ड्री डिटर्जेंट, लॉन्ड्री डिटर्जेंट मतलब कपड़े धोने का साबुन, लॉन्ड्री डिटर्जेंट। और ये है ब्रूम, जिसे हिंदी में बोला जाता है झाड़ू, ब्रूम मीन्स झाड़ू। और ये है मोप, मोप को हम हिंदी में बोलते हैं पोछा, मोप मीन्स पोछा। ये है फ्रेंड्स सोपी वाटर, सोपी वाटर मीन्स साबुन का पानी, सोपी वाटर। और ये है फ्रेंड्स वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर मीन्स कपड़े धोने का पाउडर, कपड़े धोने का पाउडर, वॉशिंग पाउडर। इसको बोलते हैं ट्रैश बैग, ट्रैश बैग मीन्स कचरा बैग, ट्रैश बैग। और ये है फ्रेंड्स ट्रैश कैन, मतलब कचरे का डब्बा, ट्रैश कैन।
और ये है फ्रेंड्स लॉन्ड्री बास्केट, मतलब कि कपड़े धोने की टोकरी, कपड़े धोने की टोकरी लॉन्ड्री बास्केट। और ये है फ्रेंड्स बाथरूम स्केल, जिसे हिंदी में बोलते हैं बाथरूम पैमाना, बाथरूम पैमाना। और ये है फ्रेंड्स बाथ मैट, मतलब कि स्नान चटाई, बाथ मैट। और ये है फ्रेंड्स कॉटन बड, और हम इसको बोलते हैं इसके अलावा कॉटन स्वैब, और इसके अलावा हम बोलते हैं इसको क्यू टिप, जिसे हिंदी में बोलते हैं रुई की पट्टी, रुई की पट्टी। तो गाइस आज के लिए यहीं तक, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।